नमस्कार, मैं हुस्ना हाशमी। आज हम एक बार दोबारा मेहरबान कुरैशी जी के कार्यालय पर हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ के ये ऐसी केजरीवाल जी की, या हम कहेंगे कि आम आदमी पार्टी की, आपको ऐसी क्या खासियत, क्या अच्छी बात लगी जो आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन? जो कोरोना का जो पीरियड ही 7 साल का रहा है ना, तो कोरोना के पीरियड के अंदर जो विपक्ष का काम था वो नहीं कर पाए। आम पार्टी ने घर घर राशन भिजवाया, घर घर लोगों की मदद कराई और ऑक्सीजन लोगों को दिए और काफी आपके तरफ देखें तो काफी लोगों की मदद करी है। और एक जो उन्होंने नया डिसीजन लिया कि जो गरीब आदमी है जिसको हम राशन फ्री देना चाहते हैं उसको हम घर पे पहुंचा कर आएंगे ताकि वो लाइन में लग के राशन न ले, गरीब आदमी अपने आप को फील ना करे कि मैं गरीब हूँ, उसको जलील होने से बचाया है। कई लोग ये सवाल भी करते हैं कि होम डिलीवरी शराब कर दी है, जो मैं खुद कहना चाह रहा हूँ आपसे, वो केजरीवाल जी का सोच ये थी कि अगर ये 2 महीने के बाद ठेके खुले शराब के तो वहाँ भीड़ लग जाएगी, भीड़ लगने की वजह से कोरोना फैलेगा। और दूसरी बात क्या है, हजारों ठेके शराब के हैं, एक एक शराब के ठेकेदार ने 10-10 आदमी 15-15 आदमी होम डिलीवरी के लिए रख लिए, तो उन 10-10 15-15 लोगों को घर पल जाएंगे। और जो शराबी लोग लाइन में आएंगे, शराब पीने वाले जो लाइन में लग के शराब लेंगे, उससे कोरोना फैलेगा। जब दिल्ली में कोरोना फैलेगा, इनमें इंटरनेशनल आदमी आता है, दिल्ली का हिंदुस्तान का आदमी आता है, कोरोना को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, दिल्ली को बचाने के लिए होम डिलीवरी का उन्होंने काम किया है। चाहे राशन देने का हो, चाहे विस्की को होम डिलीवरी करने का हो, सिर्फ उनकी एक ही सोच है कि गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को कैसे हम कामयाब करें, कैसे रोजगार दें, कैसे बिजनेस दें। इसलिए आपको नहीं लगता कि होम डिलीवरी शराब से जी घर घर में हिंसा फैलेगी? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक रूल बनाया है कि 18 साल से कम का कोई भी आदमी, अगर आधार कार्ड उसका देख के उसको घर पे देकर आते हैं, अगर वो 18 साल से प्लस का है तो उसको देते हैं, 18 साल से नीचे का है तो वापसी लेकर आ जाते हैं। जिस तरह से पिछले बार इंटरव्यू में आपने कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल साहब को केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्या आपने आपकी बात उन्होंने मान ली, या आप कुछ ऐसे लालच जैसे आम आदमी पार्टी? नहीं नहीं, इसमें जो है ना, जो आदमी अपने खुद बलबूते पे कमाता है, बिजनेस करता है, उसको कोई लालच नहीं होता, उसको कोई नहीं खरीद सकता। हम लोग खरीदने वाले नहीं, हम लोग सोशल लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, हम लोगों की तो अपनी 300-400-500 बीघे की खेती है। बहुत अच्छी बात है, मेहमान भाई, आपको लोग जानते हैं, आपसे परिचय कराने की जरूरत नहीं है जी। लेकिन जरूरत यह है कि आपने पार्टी चेंज की है जी, तो इस वक्त जरूरत है जनता को मालूम हो कि आपने पार्टी चेंज की, तो इस वक्त आप परिचय कराए कि पार्टी ने आपको कोई पद दिया है या नहीं? नहीं, फिलहाल तो मैं अपने आम पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। अगर वो केजरीवाल जी या उनकी जो पार्टी के लोग हैं या उनके जो मंत्रिमंडल है, वो कोई अगर पद देने चाहेगी समाज सेवा के लिए, समझेगी तो ठीक है, वरना मैं कार्यकर्ता के रूप में, एक सामाजिक जो कार्यकर्ता का रूप में पार्ट अदा होता है, वो काम करूंगा। ये मेरे भाई का सवाल ये था कि पिछली बार आपने जो इंटरव्यू दिया था उसमें ये कहा गया था कि केजरीवाल सरकार को चाहिए कि केंद्र सरकार से मिलकर काम करें जी, तो क्या केजरीवाल सरकार ने आपकी जो राय थी, आपका जो मशवरा था, उस पर अमल किया या नहीं? नहीं, केजरीवाल बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब से, अमित शाह से मिलके और अपने दिल्ली को हम गरीब लोगों की, कमजोर लोगों की मदद कर पाएं, और वो काफी नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ गरीबों के नहीं है, दिल्ली वालों के नहीं है, बिहारियों के नहीं है, यूपी वालों के नहीं है, कि हम पे काफी तादाद में करीबन 50 लाख लोग जो है बिहार के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के रहते हैं, कि उनको गरीबों को मदद कैसे करी जाए। तो गरीबों को नहीं, मदद के लिए उनको चाहे किसी से भी हाथ मिलाना पड़े, उससे हाथ मिलाने को तैयार है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले लगातार कांग्रेस के तमाम नेता आम आदमी पार्टी में गए थे, उसके बाद में कई कांग्रेस के नेताओं को टिकट भी दिए गए, विधानसभा के चेयरमैनशिप दी गई, आने वाला चुनाव भी निकल का है, इस वक्त भी कांग्रेस से बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, बीजेपी से भी जा रहे हैं, तो ये मान लिया जाए कि आपको भी नगर निगम चुनाव में कुछ हिस्सा मिलने की उम्मीद है या आपको? नहीं नहीं, मेरा जो है निगम निगम का कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट तो समाज सेवा का है, गरीबों की मदद करने का है, कमजोर लोगों की मदद करने का है, जो परदेशी बिहार से, यूपी से, उत्तराखंड से आते हैं, उन लोगों की मदद का है, पटरी वालों की मदद का है। सर, नंदी नारायण विधानसभा क्षेत्र के खस्ताहाल है, हर तरह से सड़क क्या, शिक्षा क्या, स्वास्थ्य क्या, सब चीज से बुरा हाल है जी, तो क्या आप इस सरकार में जुड़ करके सरकार को जागरूक करेंगे? नहीं नहीं, जो जो कमियां रह गई होगी हमारी, हालांकि इमरान हुसैन का बिल्ली मान लगता है, उन्होंने काफी काम किया है, काफी लोगों की मदद करी है, कोरोना के अंदर उन्होंने काफी तादाद में उन्होंने ऑक्सीजन का अरेंजमेंट किया है, जबकि उन लोगों को बीजेपी लोगों ने तंग भी किया, केस भी रजिस्टर्ड कराया, हाईकोर्ट ने उनको बाइज्जत वरी भी किया, उन्होंने क्या, गरीब लोगों की, कमजोर लोगों की मैं मदद करता रहूंगा, कर रहा हूँ, करता रहूंगा जी। विधानसभा बहुत बड़ी आती है और अकेले विधायक नहीं देख पाते ऐसे समय में,
तो जैसे कि आपके करीब में लगता है किला कदम शरीफ जी, पुलिस चौकी लाइन है किला कदम शरीफ से लेकर के बुरा हाल पड़ा है, सड़कों का और गलियों का पीने का पानी साफ सुथरा नहीं आता, लोगों की शिकायत है। मैंने अपने चैनल पर भी इस चीज को चला रखी है, आप देख सकते हैं इंडस्ट्री पे। तो क्या जैसे कि आपके करीब में लगता है किला कदम शरीफ, क्या आप उसका इलाके का दौरा करके सरकार को जागरूक करेंगे? जो भी पुरानी दिल्ली के अंदर कमियां रह गई है, जहां जहां भी कमियां रहेंगी, क्योंकि पुरानी दिल्ली बहुत बड़ी है, पुरानी मुगल शासन के टाइम की आबादी हुई है, छोटी छोटी गलियां हैं, जो भी कमियां रह गई हम लोग मिलके एक्ट के साथ, काउंसलरों के साथ, मिनिस्टरों के साथ मिलके जो कमियां उनको दूर करवाने की 100% पूरी करेंगे। अब जनता को क्या संदेश देंगे आप इस पार्टी से जुड़ने? जनता को मैं एक ही संदेश दूंगा कि अपने देश को बचाना है, अपने शहर को बचाना है, अपने देश को मुल्क को एक रखना है, तो आम पार्टी को वोट दें, सेकुलर पार्टी को वोट दें, वरना इससे फिरका परस्त ताकतें मजबूत होती हैं, फिरका परस्त ताकतें मजबूत होती हैं तो देश में प्रॉब्लम होती है, गरीबी आती है, बेरोजगारी आती है और देश के अंदर दिक्कत पैदा होती है। रसिया के अंदर भी इसी तरीके से हुआ था कि पहले गोरे गोरे काले के नाम पे और हिंदू मुसलमान के नाम पे और उसको देश को बांट दिया गया था। वो हम नहीं देखना चाहते कि हमारे देश में कोई प्रॉब्लम आए, कोई परेशानी आए। ये हिंदुस्तान एक भाईचारे का देश है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का देश है, सबकी कुर्बानियों का देश है, ये एक रहना चाहिए। हम ऐसी पार्टी को पकड़ें जो देश को एकता, अखंडता को, भाईचारे को मजबूत कर सके।